It feels like you don't care. Why don't you recognize I'm so rare? Hi guys, welcome back to my channel. I'm back with another video. So in today's video, मैं आपके साथ share करूंगी ये blingy सा spooky eye look, black spooky eye look with nude, perfect nude lips. And guys, It would be very precious for me if you subscribe my channel, like this video and comment. And guys, कैसा लगा आपको makeup look ये वाला, please comment down. And मैंने अपने channel पे ऐसा भी कोई सा मतलब subtle सा मैंने अपना smoky eye, perfect smoky eye makeup look नहीं किया था. So मैंने सोचा कि इतना perfect smoky eye look आपके लिए लाऊं and आप लोग भी सीखें. And मैंने बहुत simple and सिंपल वे में किया है ये स्मोकी आई लुक. बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, आप जरूर फॉलो करेंगे तो आपको भी आ जाएगा. बिकॉज बहुत से लोग सोचते हैं कि स्मोकी आई लुक करना बहुत मुश्किल होता है, बस गाइड्स इट्स वेरी सिंपल, डू ट्राई इट. मैं आपको जरूर बताऊंगी कि सिंपल स्मोकी आई लुक कैसे करते हैं. सो गाइज प्लीज वॉच दिस फुल वीडियो एंड आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये वाला लुक कैसे क्रिएट किया है. सो गाइज सबसे पहले मैं अपने हेयर स्टाइल कर रही हूँ. नेक्स्ट मैं यूज करूंगी मामा अर्थ का रोज फेस टोनर. गाइस ये बहुत अच्छा टोनर है, मामा अर्थ की अल्कोहल फ्री होते हैं, डर्मेटोलॉजी टेस्टेड होते हैं एंड ये ऑल स्किन टाइप को सूट करते हैं एंड आपके स्किन के पोर्स को मिनिमाइज करते हैं. जरूर लगाया करें टोनर एंड स्किन केयर बहुत जरूरी होता है मेकअप करने से पहले, जिससे कि आपका मेकअप बहुत अच्छा एंड फ्लॉलेस लगे. नेक्स्ट मैं यूज करूंगी, सबसे पहले मैं करूंगी आई मेकअप. तो नेक्स्ट मैं अपने आईज को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यूज करूंगी न्यूट्रीरम की मॉइस्चराइजिंग लोशन. ये बहुत अच्छा लोशन है ऑल स्किन टाइप से, वाइटामिन ई है इसमें एंड आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है. नेक्स्ट कंसीलर के लिए मैं यूज करूंगी गाइज मेबलिन न्यूयॉर्क का कंसीलर एंड यहाँ पे मेरा शेड है 20 सैंड. मैं सनराइज में अपने नोज पे एंड अपने फोरहेड में अपने आईज पे अप्लाई करूंगी एंड इसे वेट ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी, जिससे कि मेरा पूरा कंसीलर ब्लेंड हो जाए. मैं डार्क सर्कल्स में नहीं देखें एंड अच्छे से मैं इसे अपने ब्लेंड कर लूंगी ब्यूटी ब्लेंडर से, अपने नोज के पास भी एंड अपने माउथ के पास भी एंड अपने आईज पे भी मैं इसे अच्छे से ब्लेंड के लिए. नेक्स्ट में इसे सेट करने के लिए मैं यूज करूंगी स्विस ब्यूटी का कॉम्पैक्ट पाउडर एंड यहाँ पे मेरा शेड है नंबर 3. ये स्किन कलर है, ये बीच वाले लोगों के लिए बहुत सूट करता है जो मेरी स्किन टाइप के होते हैं. नेक्स्ट आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए ट्रांजिशन कलर के लिए मैं यूज करूंगी विट एंड वाइल्ड की आई शेडो पैलेट एंड मेरा यहाँ पे शेड है रोज इन द एयर. मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी इनर कॉर्नर्स वी को लेके, लाइट शेड है मैंने लिया है, इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी अपने आईज में जिससे कि ट्रांजिशन कलर है एंड इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी जिससे कि मेरा आई मेकअप फ्लॉलेस एंड अच्छा लगे. मैं अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. नेक्स्ट मैं इसमें लूंगी थोड़ा डार्कर शेड एंड अपने इनर कॉर्नर्स वी पे प्लेस करके इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी, जैसे कि मेरे मेरे आई मेकअप में थोड़ा ट्रांजिशन एंड बेस आए. इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी इनर कॉर्नर्स एंड दोनों कलर्स को मिक्स करके. मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. नेक्स्ट मैं यूज करूंगी फेसेस कैनेडा का काजल. ये बहुत अच्छा काजल है गाइस, आप जैसे अप्लाई करने से हाल स्मच कर लें. आप क्यूटिप भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश ना हो. ये मैग्नेटिक फेसेस कैनेडा का काजल है एंड इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी मैं उसी टाइम पे उसी ब्रश से, ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से ब्लेंड करूंगी एंड आप थोड़ी सी टिप निकाल के इसे अच्छे से लगाएं तो आपका स्मोकी आई लुक अच्छे से क्रिएट होगा एंड आपको अपने स्मोकी आई लुक में बस थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि आप अच्छे से ब्लेंड करें तो आपका मेकअप और स्मोकी आई लुक अच्छे से क्रिएट होगा एंड अच्छा लगेगा आपका. मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, आप देख सकते हैं. नेक्स्ट मैं यूज करूंगी जैकलिन हिल का पैलेट मॉर्फी. यहाँ पे मैं ब्लैक शेड लूंगी शिमर वाला एंड इसे अच्छे से प्लेस कर लूंगी जहाँ पे मैंने काजल अप्लाई किया था. इसे अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया अपने लोअर लिप्स पे, लोअर लिप्स पे अप्लाई करूंगी अच्छे से मैं. मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है अपने आईज पे. आप कोई सा भी ब्लैक मैट वाला भी ले सकते हैं, शिमर वाला भी ले सकते हैं. थोड़ा सा मैं ट्रांजिशन कलर लेके इन सब कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, स्मच कर दूंगी जिससे कि मेकअप थोड़ा कंप्लीट एंड अच्छा लगे एंड थोड़ा स्मोकी आई लुक में थोड़ा अच्छा. एंड आप देख सकते हैं थोड़ा फॉल आउट होता था, आप उसे वाइप आउट कर सकते हैं. मैंने इसे वाइप आउट कर दिया वेट वाइप से, अच्छे से मैं इसे क्लीन कर लूंगी. देन मैं अपने शुरू करूंगी फेस मेकअप. यहाँ पे मैं न्यूट्रीरम की मॉइस्चराइजिंग लोशन ले रही हूँ, अच्छे से अप्लाई करूंगी अपने फेस पे जिससे कि मेरा फेस हाइड्रेट एंड अच्छा लगे. मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है अपने फेस पे.
नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी, यहाँ पे मेरे पास दो टू ऑप्शन है, खिलाड़ियों का लाइट वेट फाउंडेशन एंड नेक्स्ट मेरे पास लैक्मे का फाउंडेशन. तो मैंने इन दोनों को मिक्स करके अप्लाई करा है. आपका कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं होता है, आपकी स्किन से थोड़ा लाइट होता है. इन दोनों कलर्स को मिक्स, दोनों शेड्स को मिक्स करके आप अपना फाउंडेशन बना सकते हैं अपने शेड का, स्किन टाइप का. तो मैंने यहाँ पे दोनों फाउंडेशन लेके मिक्स करके अपना शेड बनाया है. वेट ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है अपने फेस पे. आप देख सकते हैं कितना प्यारा एंड अच्छा कलर आ रहा है. ऐसे नेक पे भी अप्लाई करूंगी अपने, एंड अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया अपने पूरे मेकअप को. अच्छे से ब्लेंड कर लिया. नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे गाइज मेबी न्यूयॉर्क का फिटमी कंसीलर. एंड यहाँ पे मेरा शेड है 20 सैंड. मैं से अंडर आइज पे अप्लाई करूँगी, नोज पे, चिन एरिया एंड अपने फेवरेट पे भी. अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी इसको भी. मैं अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. नेक्स्ट में इसे सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का कॉम्पैक्टनेस. अच्छे से डैप इसे ब्रश से अप्लाई करूँगी अपने फेस पे, जैसे कि मेरा पूरा फाउंडेशन सेट एंड बेस अच्छे से फिक्स हो जाए. नेक्स्ट में आईशैडो फिल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ की आईशैडो पैलेट. इसे मैं अच्छे से फिल कर लूँगी अपने आईब्रोज, ब्राउन शेड लेके मैंने इसे अच्छे से फिल कर लिया अपने आईब्रोज़ को. नेक्स्ट कॉन्टोरिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबी न्यूयॉर्क कॉन्टोर ड्यू स्टिक. यहाँ पे मेरा शेड है 02 मीडियम. मैं इसे अच्छे से अप्लाई करूँगी अपने चिन में, अपने नोज के. मैं अच्छे से वेट ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, जिससे ब्लेंड हो जाएगा एंड मेरा फेस थोड़ा अच्छा एंड थोड़ा थोड़ा स्लिम लगेगा एंड थोड़ा अच्छा लगेगा. सो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी वेट ब्यूटी ब्लेंडर से. नेक्स्ट मैं ब्लश के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बटन वाइल का ब्लश. एंड यहाँ पे मेरा शेड है एप्रिकोट इन द मिडल. ये बहुत अच्छा थोड़ा कोरल सा शेड है. अच्छे से अप्लाई कर लूँगी मैं अपने फेस पे एंड अपने अपवर्ड मोशन में. एंड नेक्स्ट मैं हाईलाइटर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बटन वाइल का मेगा ग्लो हाईलाइटर. यहाँ पे मेरा गाइस शेड है मेगा ग्लो. एंड मैं अच्छे से अपने चिन एरिया पे, अपने चीक्स पे, अपने नोज पे अप्लाई करूँगी, जिससे थोड़ा अच्छा मेकअप अच्छा लगे. एंड थोड़ा मैं अपने इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट करूंगी एंड अपने आईब्रोज के नीचे भी थोड़ा लगाऊंगी. आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया अपने आईब्रोज पे भी, अपने इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर लिया है. नेक्स्ट मैं यहाँ पे काजल लगा रही हूँ फेसेस कैनेडा का मैग्नेटिक वाला काजल. से बहुत अच्छा एंड अलग ही लुक दिखता है. आप देख सकते हैं मैं आपको शो करूंगी, आप देखना बहुत डिफरेंस आ जाएगा दोनों आईज में. जब मैंने काजल अप्लाई करा, काजल अप्लाई नहीं करा, आप देख सकते हैं डिफरेंस. मैं अच्छे से अप्लाई कर लूंगी काजल को एंड हम कोई सा भी काजल यूज कर सकते हैं. देखिए डिफरेंस कितना अलग आया. एंड हम जब भी काजल लगाएंगे अगर लोअर वॉटर लाइन पे, तो गाइज जरूर अपने अपर वॉटर लाइन में भी अप्लाई करें काजल, जिससे कि थोड़ा अच्छा एंड मेकअप फिनिश लगता है. इसे अच्छे से अप्लाई करूंगी, आप देख सकते हैं मैं इनर कॉर्नर्स पे भी अप्लाई करूंगी अपर लाइन में भी. नेक्स्ट मैं गाइस लगा रही हूँ फॉल्स आईलैशेस. ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप आईलैशेस प्रेफर करते हैं, आईलैशेस से पूरा मेकअप कंप्लीट एंड अच्छा लगता है. नेक्स्ट लिपस्टिक के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं न्यू लिपस्टिक लगाऊंगी. फर्स्ट मेरे पास है नॉन ट्रांसफर ब्लू हेवन की लिप कलर. एंड यहाँ पे मेरा शेड है गाइज न्यूड लिप्स 5. एंड नेक्स्ट मैं लगाऊंगी मेबी न्यूयॉर्क की सेंसलेशन लिक्विड मैट लिपस्टिक. एंड यहाँ पे मेरा शेड नंबर है 09. इस दोनों को अंडरलाइन करूंगी. एंड नेक्स्ट मेबी न्यूयॉर्क की लिपस्टिक से, लिक्विड लिपस्टिक से मैंने इसे अपना पूरे लिप्स को फिल कर लूंगी एंड अच्छा न्यूड एंड अच्छा कलर आएगा मेरे लिप्स पे. आप देख सकते हो मेरे को न्यूड सा परफेक्ट न्यूड कलर.
नेक्स्ट मैं अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे अपने हेयर स्ट्रेट कर रही हूँ, जैसे कि मेरा लुक पूरा कंप्लीट एंड अच्छा लगे। कचदा हुसन कितों बचदा हुसन तेरी चढ़दी जवानी मैनू जचदा हुसन कचदा हुसन कितों बचदा हुसन तेरी चढ़दी जवानी मैनू जचदा पंजाबी सूट पहुंचे तंग बलावा मैं ओ जांदी संग बदामी रंग नखरे पंग नैन शराब मुंडा यंग बदामी रंग नखरे पंग नैन शराब मुंडा यंग लैम्बोर्गिनी कुमाई जाने ओ लैम्बोर्गिनी कुमाई जाने ओ छड़ के गर्लफ्रेंड नू दूजी कुड़ियां बिठाई जाने ओ छड़ के गर्लफ्रेंड नू दूजी कुड़ियां बिठाई जाने ओ काली काली गगला नू चक चक के आपको वीडियो पसंद आए हो एंड ये मेरा लुक पसंद आया हो। एंड गाइस अगर लुक पसंद आया हो सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट। एंड गाइस प्लीज स्टे सेफ एंड लव यू ऑल गाइस।